हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके साथ। एक छोटी सी जानकारी शेयर करनी है ग्रेडर के अगले हब के बारे में, किसकी अगले हब की सर्विस कैसे होती है। कई भाइयों के कमेंट आए तो मैंने सोचा बना दूँ ये वीडियो आपके लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और छोटी सी वीडियो है और आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है इसकी हब, ठीक है ना। ये पूरी इसमें दो बैरिंग होते हैं, तो उस बैरिंगों में क्या है, ग्रीस नहीं होती तो ऑयल पड़ता है। तो ऑयल हमको ये नट खोल के, ठीक है ना, और इसका लेवल मैं पहले आपको बता देता हूँ कैसे चेक होता है। ये नट जब हम खोलेंगे, ठीक है ना, तो ये नट खोलने के बाद इसके सीध में तेल जो है इसका रहना चाहिए, ठीक है ना। इनकी इतना भरा हुआ होना चाहिए ये, ठीक है, इतना। तो इसकी यानी कि फिर इतना अगर तेल भरा हुआ है तो इसमें समझ लें आप तेल पूरा है। और इसको तेल को निकालने के लिए एक सक्शन गन आती है, ठीक है ना, यानी भी सक्शन गन बोलते हैं किसी चीज़ को वापस खींचने के लिए, ठीक है ना। तो इसको बैक इसमें पाइप डाल के सक्शन गन का, और पीछे को हमको इसको तेल को खींच लेना है, ठीक है ना। प्रेशर से उसको खींच जाएगा तेल, ठीक है ना। आप किसी हार्डवेयर वाली दुकान पर जाएंगे, बोलेंगे सक्शन गन चाहिए तो वो दे देंगे आपको, ठीक है ना। तो सक्शन गन इसमें यूज होगी इसकी सर्विस करने के लिए। और इसमें आधा लीटर तेल आता है ट्रांसमिशन में जो पड़ता है, ठीक है, वो इसमें तेल आता है गेयर ऑयल, ठीक है ना। आधा लीटर पड़ेगा यानी कि 500 ml तेल इसमें डालेंगे, यहीं से तेल डलेगा और यहीं से निकलेगा। और इसमें कोई भी सुराख एक्स्ट्रा नहीं होता, ना ही ऊपर कोई सुराख है और ना ही इसके कोई नीचे में सुराख होता है, ठीक है, देख सकते हैं, ना कोई सेट सुराख होता है। इसकी सर्विस यहीं से होती है। तो मैंने सोचा कईयों को नहीं पता होगा और कमेंट भी आए थे, तो इसकी मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो इसकी ऐसी सर्विस होती है, बड़ी आसान है सर्विस करना। बस आपके पास सक्शन गन होनी चाहिए, या सर्विस का तरीका मैंने बता दिया। आपके पास कोई और जुगाड़ हो, इसमें पैप डाल के आप मुंह से खींच सकें, तेल किसी चीज़ में डाल सकें, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सक्शन गन होना बहुत ज़रूरी है, उससे आप इजीली जो आपका ये सर्विस वर्क है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगले टायर की हब की सर्विस होती है, ठीक है। और दोस्तों इसकी सर्विस जो है 2000 घंटे पे हो जाती है, जब जैसे हम ट्रांसमिशन और टंडम की और इंजन की सर्विस वगैरह करते हैं, और हाइड्रोलिक फिल्टर जब चेंज करते हैं 2000 घंटे पे, तब उस टाइम इसकी भी सर्विस साथ में कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि यार नंबर मत मांगा करो यार, फिर भी आप लोग समझते नहीं हो। कुछ लोग तो यार फेसबुक और इंस्टा पर मैसेज ही इसलिए करते हैं कि ताकि मेरा वो नंबर के लिए कह सकें, नंबर के लिए मैसेज करते हैं। भाई जब इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज ही कर दिया तो वहीं पर बात कर लिया करो, क्यों यार नंबर बार बार मांगते हो, मेरे से बार बार यार बोला नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो बस इतनी थी ये वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।